अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको हमने डिस्कस किया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। उसने कहा कि जो जीन्स के जो अलील्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। मियोसिस के दौरान जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, उस तरह जो अलील्स होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जो अलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे वो दोबारा मिल जाएंगे जब रैंडमली फर्टिलाइजेशन होगी, जब साइगोट फॉर्म होगा। ओके, आज हम मेंडल का सेकंड लॉ, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। उसने सिर्फ एक ही ट्रेट्स को डिस्कस किया था, उसी पे उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने दो डिफरेंट ट्रेट्स को डिस्कस किया। उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। उसने कहा कि डिफरेंट जीन्स के जो डिफरेंट अलील्स होंगे मियोसिस के दौरान जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, उस तरह वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ओके, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हेन अलील्स ऑफ मोर देन वन ट्रेट आर फॉलो टुगेदर इन अ क्रॉस, द अलील्स ऑफ दीज ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन होती है मियोसिस के दौरान। मियोसिस के दौरान डिफरेंट ट्रेट्स के, डिफरेंट जीन्स के जो अलील्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली जीनेशन टू जीनेशन ट्रांसमिट होंगे, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, द अलील ऑफ वन गैमेट डज नॉट अफेक्ट द अलील ऑफ अदर गैमेट्स। सो एक ट्रेट का, एक जीन का जो इन्फ्लुएंस है, जो इफेक्ट है, वो दूसरे जीन पर या दूसरे ट्रेट पर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मीन टू, हाइब्रिड मीन ट्रेट। सो जिसमें हम एक वक्त में दो डिफरेंट ट्रेट्स को डिस्कस करते हैं, उनका क्रॉस करवाते हैं। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिपेंड करता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। In which two different particular traits are followed together at a time. Okay, so law of independent assortment किस पर डिपेंड किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। एग्जाम्पल है हमारे पास ड्रोसोफिला मिलेनोजेस्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, क्योंकि जो मेंडल है उसने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। हमने उसी के एक्सपेरिमेंट को बेस बनाकर हमने ड्रोसोफिला मिलेनोजेस्टर पर एक्सपेरिमेंट किया। ड्रोसोफिला मिलेनोजेस्टर की हमारे पास दो टाइप्स थी, वन इज वाइल्ड टाइप, सेकेंड इज म्यूटेंट टाइप। जो म्यूटेंट टाइप थी उसमें म्यूटेशन की वजह से कुछ डिफरेंसेस आए, उसके जो ट्रेट्स हैं वो वाइल्ड टाइप से वेरी किए। फॉर एग्जांपल, उसके जो विंग्स थे वो रिड्यूस विंग्स थे, वो रिड्यूस फॉर्म में थे, सो हमने उसको वेस्टिजियल विंग्स कहा। उसकी जो आईज थी वो ब्लैक कलर की थी, वो डार्क ब्राउन थी, तो हमने उसको सीपी आईज कहा। ओके, सो जो वाइल्ड टाइप है उसके जो विंग्स थे वो नॉर्मल थे, तो हमने उसको वीजी प्लस से शो किया। उसकी जो आईज थी वो रेड आईज थी, तो हमने उसको एसई से, एसई प्लस से शो किया। म्यूटेंट टाइप के जो विंग्स थे वो वेस्टिजियल विंग्स थे, तो वीजी से शो किया। उसकी जो आईज थी वो सीपी आईज थी, जिसको हमने एस ई से शो किया। नेक्स्ट हम इनका पेरेंटल क्लोज करवाते हैं। इधर हमने इसके गैमेट्स बनाए, तो एक गैमेट एक अलील को ही पिक करता है, सो इन दोनों में से भी एक और इन दोनों में से भी एक, सो वी जी प्लस एस ई प्लस वी जी एस ई। नेक्स्ट हम इन दोनों को आपस में क्लोज करवाते हैं, सो हमारे पास एफ वन जीनेशन आ गई। एफ वन जीनेशन जो हमारे पास आई वो क्या थी? हेट्रोजाइगस फॉर्म में थी। सो हमने F2 जनरेशन के लिए हमने F1 और F1 का ही आपस में क्रॉस करवाया, और हमारे पास ये गैमेट्स आ गए, जो कि वी जी प्लस एस सी प्लस वी जी प्लस एस सी वी जी एस सी प्लस वी जी एस सी वी जी प्लस एस ई वी जी प्लस एस ई वी जी एस सी प्लस वी जी एस सी। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, और एक जो ट्रेट है उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे ट्रेट पर नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, वी जी प्लस एस सी प्लस, सो यहाँ पर भी वी जी प्लस ने एस सी प्लस के साथ, ठीक है, और यहाँ पे वी जी प्लस एस सी, सो यहाँ पर कौन सी है
इसकी जो आईज है वो रेड है और यहाँ पे इसकी आईज क्या है, सीपी आईज है। सो ये इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे और ना ही ये जो ट्रेट है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे पर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइम इनका पुनर्स्केयर ड्रॉ करते हैं। मेल गैमेट्स को मैंने हॉरिजेंटली ड्रॉ किया, फीमेल को वर्टिकली ड्रॉ किया। इसके जो गैमेट्स बने हुए हैं वो क्या है, वी जी प्लस SE+, SC+, VG+, VG+, SE+, SC, VG+, VG, SE+, SC+, VG+, VG, SE+, SE, VG+, VG+, SE+, SE, VG+, VG+, SE+, SE, VG+, VG, SE+, SE, VG+, VG, SE+, SE, VG+, VG+, SE+, SE+, VG+, VG+, SE+, SE, VG+, VG, SE+, SE, VG+, VG, SE+, SE, VG+, VG+, SE+, SE, VG+, VG+, SE+, SE, VG+, VG, SE+, SE, VG+, VG, SE+, SE। सो ये हमारे पास गैमेट्स आ गए। सो हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशो आई वो क्या थी, 9:3:3:1। सो जो VG+ और SC+ वो हमारे पास डोमिनेंट एलील्स है, VG, SC जो है वो हमारे पास रिसेसिव एलील्स है। 9 हमारे पास कैसा आया मैं काउंट करती हूँ, डिफरेंट मैं डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जैसे ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये सर्कल बनाया मैंने, 9 हमारे पास क्या आ गए, VG+ और SE+। ये हमारे पास कौन सी है, वाइल्ड टाइप है, जिसमें जो विंग्स हैं वो नॉर्मल विंग्स हैं और जो आईज हैं हमारे पास वो रेड आईज हैं। नेक्स्ट 1 स्टार बना रही हूं, 1, 2 एंड 3, ठीक है, इधर स्टार ड्रॉ कर लेती हूँ, 3। इस पे जो इसके जो विंग्स हैं वो नॉर्मल विंग्स हैं और इसकी जो आईज हैं वो सीपी आईज हैं। ओके, नेक्स्ट 3, इसको मैं ट्रायंगल बना देती हूँ, 1, 2 एंड 3। इसमें जो इसकी जो आईज हैं वो रेड आईज हैं और इसके जो विंग्स हैं वो वेस्टिजियल विंग्स हैं। नेक्स्ट जो 1 है हमारे पास, जो हमारे पास 1 है वो रिसेसिव एलील्स है, जिसमें जो इसके जो विंग्स हैं वो रिड्यूस फॉर्म में है, वो वेस्टिजियल विंग्स हैं और इसके जो आईज हैं वो सीपी आईज हैं जो के डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की आईज हैं। सो 1 ये हमारे पास क्या आ गए, रिसेसिव एलील्स। इसमें SE सीपिया आईज और VG वेस्टिजियल विंग्स। सो ये हमारे पास इसकी रेशियोज आ गई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।